अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इब्राहिम किचन और मैं हूँ राजा इब्राहिम। आज मैं आपके लिए एक और ब्लॉग लेकर आया हूँ, पिछले ब्लॉग की शानदार कामयाबी पर। पिछला ब्लॉग था जिना पार्क और यह ब्लॉग है यू पार्क का। बहुत ही शानदार ब्लॉग होगा, आई मैं आपको ब्लॉग के साथ आपको पूरा यू पार्क। ये जो सबसे पहले जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ यू पार्क में, ये है झील। जगह पीछे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा प्यारा एक पानी नज़र आ रहा है। इधर बोटिंग भी लोग करते हैं, वो आगे जाके बोट्स वगैरह यहाँ टिकट लेना पड़ता है बोटिंग के लिए। और मैं आपको ये देख सकते हैं कितना प्यारा पानी लग रहा है यहाँ पे, चेक करें आप। और मैं साथ आए मैं आपको और जगह दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। ये आप पीछे में देख सकते हैं, ये 16 दिसंबर जो सामने हुआ था APS पेशावर में, ये पूरे उन्होंने पूरा बनाया। पीछे दो बच्चे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में किताब है, बेंच बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर पूरा उन्होंने लिखा हुआ है। ये अगर जूम करके आप पढ़ें तो ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है। मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में अजीम के नाम मंसूब किया जाता है, जो बेचारे सारे शहीद हुए थे ये उनके बारे में। आ जाए मैं आपको और जगह देखता हूँ। आज ये आप देख सकते हैं, अगर आप एंट्रेंस होते ही इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ यू पार्क में। ये पूरा मैप है यू पार्क का, कहाँ पे क्या है, जंगल जंगल किस साइड पर है, ये ट्रैक कहाँ जाता है, ये हर चीज़ लिखी हुई है। और जब साथ इन्होंने एक आर्मी को रिप्रेजेंट करने के लिए टेंट भी खड़ा किया। ये देखिए ये आर्मी का एक टेंट इन्होंने खड़ा किया है, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। कोई एंट्रेंस में लोग आते हैं या कोई देखते हैं इस टेंट को तो बहुत अच्छी खुशी मिलती है। आज मैं सारा मैं ये सबसे मशहूर चीज़ है स्टार्ट भी। जब आप जंगल में एंटर होंगे तो आर्टिफिशियल शेर का मुंह है, सही है, 15 सेकंड या 10 सेकंड में बहुत आवाज निकलता है। हाँ मैं मेरे साथ अंदर में आपको दिख रहा है। ये जब हम इसके अंदर आते हैं तो ये रियल लगता है कि जैसे हम इसके असल में शेर के मुंह में रहते हैं। आ जाए आपको एक और कॉल, एनिमल जानवर है परिंदे जैसे हैं। ये सबसे पहले जो है कॉमन एरिया जू की कोर्ट है, ये एरिया में बहुत कॉमन होता है। तो आप पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये साथ वाला जो है ये व्हाइट की कोक है, व्हाइट की कोक आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। व्हाइट की कोक का लहदा सांस लग रहा है। पहला जो है ये ब्लैक शोल्डर की कोक, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। और ये अगला जो है जावा ग्रीन की कोक आगे आ गया, इसका नाम लिखा ये है ब्लैक जावा ग्रीन की कोक। ये आप देख सकते हैं जो पक्का में आम पाई जाता है। और आगे जो है ये अब पीकॉक, ये आप देख सकते हैं अंदर पीकॉक ये सारे नॉर्मल से, लेकिन ये पीकॉक सारे ही बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह की देन बहुत प्यारी है। आज मैं आपको और चीज़ें मेरे पीछे मैं आपको एक और जगह लेकर आया हूँ व्हाइट टाइगर की। ये आप देखें पीछे कितनी खूबसूरती लग रही है यू पार्क की, जो पीछे व्हाइट टाइगर नजर आ रहे हैं आपको, अगर ये आपको जूम करके दिखाएँ तो। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं साथ इनके बंगाल टाइगर के, अगर जो आपको लेके चलते हैं लेकिन टाइगर की लग रही बहुत। आज अल्लाह आपको शेर के साथ देखा बंगाल टाइगर, ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत बना रहे हैं, माशाल्लाह कितना प्यारा ये शेर लग रहा है मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और ये इसका अपने स्टाइल है चलने और आने वगैरह के लिए, खुद का मालिक है। और आज मैं आपको और जगह दिखाता हूँ, आज और जगह लेकर रहे हैं। ये पीछे हॉक डियर है, ये डियर कितने प्यारे लग रहे हैं चलते हुए, ब्लैक कलर की और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जल्द यू पार्क की खूबसूरती को बढ़ा रही है ये हॉक डियर। जेब्रास हैं, बस ये खाना खा रहे हैं, बड़े प्यारे ही लग रहे हैं जेब्रास खाना खाते हैं। अभी आप देख सकते हैं जूम करके, अभी आज मैं साथ में आपको और जगह दिखाता हूँ। ये भी आप देख सकते हैं पीछे वुल्व्स भेड़िए, कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ बैठे हुए अंदर, आप देख सकते हैं भेड़िए घूम फिर रहे हैं। और ये सबेरिया नस्की की तरह भी लग रहे हैं, लेकिन ये भेड़िए हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं वुल्व्स। और यू पार्क में आज मैं आपको और जगह घूम मंकीज की बंदर की, ये बच्चे देख सकते हैं कितने प्यार छोटे छोटे लग रहे हैं अंदर घूमते हुए, कभी इधर ऊपर चढ़ते हैं कभी नीचे चढ़ते हैं, इस तरह मजाक मजाक में लगे हुए एक दूसरे के साथ। आज मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो आप देख सकते हैं और बर्बट मंकी भी है, चेन मंकी है दूसरों से, वो दूसरे और यह दूसरे चेन है। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं इस टाइम यहाँ पर जी। आज मैं आपको और जाना जी, हम मेरे पीछे देख सकते हैं नील गाय हैं, नील गाय वगैरह इनका ये इंडिया में पाई जाती है, उनका बकायदा शिकार किया जाता है इंडिया में, और इसका गोश्त मैंने खाया है बहुत ही मज़े का होता है। और ये बकायदा इंडिया में इसका शिकार होता है, आप चेक करें इसको कितनी प्यारी ये भी नील गाय लग रही है। आज हमें आपको और जानवर देख सकते हैं ऑस्ट्रिच है, और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल पास से खड़ा हूँ, ये बहुत ही प्यार लग रहे हैं। और इसे डरना चाहिए, ये अगर काट लें तो फिर बहुत छोड़ते नहीं है काट के, जब तक भी आपको जख्म छोड़ ज़्यादा ना दे सके। आज मैं आपको और
ये आप देख सकते साथ ही साथ थोड़ा देखना कौन कह रहा है बच्चे अंदर घूम रही है डक्स देखें कितनी प्यारी डक्स ला दी और जहाँ भी आप खड़ा होकर आराम से अपना एंजॉय कर सकते हैं मौसम वगैरह। और ये बहुत ही अच्छी पार्क है, फैमिली पार्क का जरूर विजिट करें फैमिली के साथ। आज मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ, व्हाइट टीयर्स इतने खूबसूरत नहीं लग रहे हैं, व्हाइट टीयर्स कितने प्यारे हैं आप देख सकते हैं जूम करके हैं। तो पार्क का अभी इसमें बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, अभी हम थोड़ा लेट हो गए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जू पार्क के ब्लॉग का। अभी हमने बहुत सी चीज़ें रिकवर करनी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन